नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अब अतीक के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। मायावती के बहुजन समाज पार्टी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया। मायावती ने प्रयागराज में मेयर पद के लिए घोषित की गई शाइस्ता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इस रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को एक और बड़ा झटका लगा है। मायावती के बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले मेयर बनने का उसका सपना टूट चुका है। जी हां, खबर ये आ रही है कि बसपा प्रयागराज से किसी अन्य प्रत्याशी को मेयर चुनाव में उतार रही। इससे पहले मायावती ने शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी घोषित किया था। इस घोषणा के बाद शाइस्ता ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम तो है ही, उसके छोटे भाई अशरफ, बेटे असद के साथ उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का भी नाम सामने आया। इस वारदात के बाद से ही फरार चल रही शाइस्ता की तलाश में प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हालांकि अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसी बीच देर शाम चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान कर दिए। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक माफिया अतीक को पहले से अंदेशा हो गया था कि वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे हालात में वो प्रयागराज की राजनीति में अपनी ठसक बनाए रखने के लिए अपनी विरासत पहले पत्नी को और फिर बाद में बेटे को ट्रांसफर करने की तैयारी में था। शाइस्ता को मेयर चुनाव में उतारने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा था। इसके लिए उसने पिछले दिनों शाइस्ता को ओबीसी की पार्टी से निकाल कर बीएसपी ज्वाइन कराया था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद बनी सिचुएशन ने इस पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। हालात यहां तक आ गए हैं कि शाइस्ता को खुद फरारी काटनी पड़ रही है। जी हाँ, तो अतीक अहमद को सजा का ऐलान होने के बाद अब मायावती के सुर बदल गए हैं। एक तरफ शाइस्ता परवीन और उसका बेटा असद फरार है, जबकि उसके दो नाबालिग बेटों का बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। ऐसे में मायावती अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। खबरों की माने तो शाइस्ता का टिकट काटने का बसपा की ओर से 3 अप्रैल को औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बसपा जल्द ही इस सीट पर अपने नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।